नमस्कार प्रिय दर्शकों, यहाँ पर ये राठौर वंशज की कुल देवी मानी जाती है। यहाँ का क्या है इतिहास, यहाँ माता रानी की कब हुई उत्पत्ति, इस पूरे इतिहास को लेकर आज हम बताएंगे। आप देख रहे हैं न्यूज 24, मैं हूँ नेपाल सिंह राठौर। आपको दिखाएंगे अब हम अखिल भारतीय राठौर वंशज की कुल देवी का इतिहास। बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक। इस खबर में पूरा इतिहास लेकर आए हैं हम माँ नागणेशी का, जो कभी नहीं सुना होगा आपने ये पूरा इतिहास। अखिल भारतीय राठौर वंशज की कुल देवी माँ नागणेशा का इतिहास एवं जानकारी। तो हम शुरू करते हैं। माँ नागणेशा माता को पूर्व में चक्रेश्वरी देवी के नाम से जाना जाता था। चक्रेश्वरी देवी का मूल मंदिर कन्नौज में स्थित है। राठौर वंशज के राव सिंहाजी ने सर्वप्रथम कन्नौज से पाली आकर मारवाड़ में राठौर साम्राज्य की नींव रखी थी। राव सिंहाजी के ज्येष्ठ पुत्र राव आस्थान जी हुए तथा उनके पुत्र राव दुहर जी हुए। राठौर वंशज की कुल देवी चक्रेश्वरी की मूर्ति कन्नौज से लाने का श्रेय राव दुहर जी को जाता है। राव दुहर जी मारवाड़ से अपने साथ राजपुरोहित गुरु पीथर जी को लेकर मां चक्रेश्वरी की मूर्ति लाने को लेकर कन्नौज गए। कन्नौज से मां चक्रेश्वरी की मूर्ति को लेकर एक टोकरी में विराज जीत कर जब मारवाड़ के लिए प्रस्थान करने लगे तो मां चक्रेश्वरी ने प्रकट होकर राव दूर जी से कहा, पूरे रास्ते में मेरी मूर्ति को कहीं जमीन पर नहीं रखना है। यदि परिस्थितिवंश कहीं पर भी मेरी मूर्ति जमीन को छू जाती है तो मैं वहां से आगे नहीं चलूंगी। इतना कहकर मां चक्रेश्वरी राव दूर जी के साथ मारवाड़ आ रही थी कि बीच रास्ते में नागाणा गांव के जहां पालीवाल ब्राह्मण की गाय को कुछ लूटेरे लूट कर ले जा रहे थे, तब यह देखकर अक्षत्रिय योद्धा राव दोड़जी का खून खुल उठा तथा पालीवाल ब्राह्मणों की स्त्रियों और गाय के छोटे बछड़ों की करुण पुकार सुनकर राव दोड़जी ने अपने अक्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए मां चक्रेश्वरी की मूर्ति को एक नीम के पेड़ के नीचे जमीन पर रख कर पीथर जी के साथ लुटेरों से युद्ध शुरू कर दिया। लुटेरे युद्ध करते करते राव दुहर जी गुरु पीथर जी अपने साथी योद्धा सहित नगाड़ा से 4 मील दूर गांव तीरसिंगड़ी जा पहुँचे। इस भयंकर युद्ध में राव दुहर जी के साथी योद्धा वीरगति को प्राप्त हो गए, परंतु राव दुहर जी नगाड़ा के पालीवाल ब्राह्मण समाज की गायों को लुटेरों से बचाकर सुरक्षित वापस ले आए। जिस समय राव दूर जी गायों को लेकर वापस नगाड़ा की पहाड़ियों के पास पहुँचे, उसी समय मां चक्रेश्वरी देवी की मूर्ति पहाड़ी की गोद में भूमि पर समा रही थी। जब हड़बड़ाकर भाग कर आती हुई गायों को रंभाते हुए आवाज़ सुनी तो उन्हें रोकने हेतु ब्राह्मण की स्त्रियों ने उन्हें जोर से आवाज़ लगाकर पुकारा। इसी आवाज़ को सुनकर मां चक्रेश्वरी की भूमि में समाती हुई मूर्ति वहीं रुक गई। तब तक मूर्ति आधा भाग भूमि में समा चुका था। यह स्थिति देखकर राव दुर जी ने जब मां चक्रेश्वरी को पुकारा तो मां जगदम्बा ने आकाशवाणी के माध्यम से राव दुर जी से कहने लगी, अब यहीं रहूंगी, यहाँ से जितने क्षेत्र पर मेरी दृष्टि जाएगी वहाँ तक राठौर का राज्य निष्कंटक और क्षुणक रहेगा। इसी दिन से मारवाड़ के नीम पेड़ को पवित्र माना जाता है और काटा व जलाया नहीं जाता है। इसके बाद राव दुर्जी ने अपने साथियों की सूद लेने गांव तीर सिंगड़ी पहुँचे, परंतु उनके वहाँ
पहुंचने से पहले ही उनके सभी साथी वीर गति प्राप्त हो चुके थे। राव धूड़ जी को भी युद्ध में बहुत से घाव लगने की वजह से वे भी घायल हो चुके थे तथा अपने सभी साथियों को वीर गति पाया देखकर स्वयं भी वीर गति को प्राप्त हो गए। जहां वर्तमान में एक विशाल तालाब बना हुआ है एवं तालाब के अंदर किनारे पर प्रतिमा राव धूड़ जी तथा गुरु पीटर जी की। इसके बाद राव धूड़ जी के वंशज राजाओं ने गांव नगाड़ा में मां चक्रेश्वरी का एक छोटा सा मंदिर बनवाया। नगाड़ा गांव में पूजा होने के कारण मां चक्रेश्वरी का नाम नागणेशा माता के नाम से प्रसिद्ध हो गया। वर्तमान में मां नागणेशा मंदिर के प्रबंधक एवं संचालन हेतु एक ट्रस्ट बना हुआ है जिसके अध्यक्ष मारवाड़ रियासत के हिज हाइसेन महाराज श्री गज सिंह जोधपुर हैं तथा मंदिर प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने हेतु ट्रस्ट द्वारा एक प्रबंध समिति का भी गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष श्री उमेश सिंह अराबा हैं जो वर्तमान पंचायत समिति कल्याणपुर के प्रधान हैं। ट्रस्ट बनने से पूर्व मंदिर का प्रबंधन एवं संचालन मंदिर विकास समिति के द्वारा किया जाता था। पूर्व में मंदिर में पशु बलि शराब का चढ़ावा होता था जो सन 2000 में बंद कर दिया गया। यह पुनीत कार्य भारत के विख्यात संत श्री 1008 शांतिनाथ महाराज गादीपति सिरे मंदिर जालोर श्री श्री महाराज 1008 श्री अभयराम जी गादीपति गढ़ सिवाना तथा श्री श्री 1008 श्री हरवंत सिंह निर्मल गादीपति मां भादरिया राय मंदिर भादरिया जैसलमेर के पावन सानिध्य में वर्तमान प्रबंध समिति के अध्यक्ष श्री उमेश सिंह अराबा एवं उनके सहयोगी माताजी के भक्तगणों के अथक एवं असीम प्रयासों से संभव हुआ है। लंबे संघर्ष के बाद संपन्न एवं सफल हुआ है। सन 2007 में मंदिर के विकास को नई दिशा देने के लिए एक ट्रस्ट का गठन भी किया गया है। वर्तमान में ट्रस्ट को देखरेख को लेकर जन सहयोग से मां नागणेशा के भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। वर्तमान में निर्माण सन 2009 से प्रारंभ किया गया है जो वर्तमान पूर्णता की ओर अग्रसर है। सन 2023 में मंदिर की प्रतिष्ठा का लक्ष्य भी रखा गया है। मंदिर परिसर में भक्तगणों हेतु दिनों दिन सुविधाओं का विस्तार भी किया जा रहा है। दूर दराज से आने वाले भक्तजनों के रुकने के लिए एक भव्य धर्मशाला भी यहां पर बनी हुई है। भक्तजनों हेतु भोजन सुविधा हेतु एक भव्य भोजनशाला का भी यहां पर निर्माण करवाकर संचालित की जा रही है। जिन भक्तजनों को नाम मात्र के हैं शुल्क शुद्ध शाकाहारी भोजन उपलब्ध कराया जाता है। वर्तमान में मां नागणेशा माता का मंदिर अखिल भारतीय राठौड़ वंशज की कुलदेवी मुख्य पाठ स्थान के रूप में विश्व विख्यात है तथा इस मंदिर में संपूर्ण भारतवर्ष के अलावा विश्व के अलग अलग कोने से 36 कौम के लोग साथ मुस्लिम धर्मावलंबी भी माताजी के दर्शन करने हेतु यहां पर आते हैं। आपको बता दें कि यहां पर क्षेत्र और आसोस की नवरात्रि में भव्य मेला भी भरता है जिसमें प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु माताजी के दर्शन करने हेतु यहां पर आते हैं तथा इस बार ट्रस्ट के द्वारा वर्ष में दो बार आने वाली गुप्त नवरात्रि की भी बार बार विधि विधान से पूजा अर्चना एवं पूजा अनुष्ठान का कार्य प्रारंभ किया गया है जो इन गुप्त नवरात्रि में विद्वान पंडितों के द्वारा संपन्न की जा रही है। मंदिर में समय समय पर भारत के कई गणराज्यों के लोगों का भी माताजी के दर्शन हेतु आना जाना लगा रहता है। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत माताजी के दर्शनार्थ में पधारे और राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया
तीन बार यहाँ पर माताजी के दर्शन कर चुकी हैं। 5 करोड़ का बजट मंदिर विकास कार्यों के लिए भी दिया जा चुका है, जिससे यात्रियों की सुविधा के लिए विस्तार भी किया गया है। भक्तजनों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार का एक भव्य धर्मशाला एवं सुलभ कॉम्प्लेक्स पर भी यहाँ पर बना हुआ है। पक्की पार्किंग का भी निर्माण करवाया गया है। वर्तमान पर्यटक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा भी मंदिर के विकास कार्यों हेतु यहां पर 2 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित किया गया है। उमेश सिंह अरावा द्वारा ट्रस्टी मंत्री व अध्यक्ष प्रबंध समिति माँ नागणेचा माता ट्रस्ट नगाड़ा की जानकारी कैसी लगी, इसको लेकर आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। साथ ही हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, खबर को हमारे लाइक करें, शेयर करें। देवी देवताओं और समाज की उत्पत्ति से लेकर अन्य कई खबरें हम आपको देंगे इसी चैनल पर। बने रहिए हमारे साथ। नेपाल सिंह राठौड़ की रिपोर्ट। दर्शकों, आपसे छोटा सा अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारी यह खबर आपको कैसी लगी। ये धार्मिक मंदिर की इस पर पूरी स्टोरी हमने बताने का प्रयास किया, जिसको लेकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक और शेयर करना न भूलें। अन्य ही ऐसी रोचक खबरें लेकर हम आपके साथ रूबरू होते रहेंगे। न्यूज 24 पब्लिक लाइव चैनल को सब्सक्राइब